नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का सवाल है क्वेश्चन इज वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 are, uh, के जी पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन द लॉसिस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी सवाल अब यह है कि हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन और सजेस्टेड है कि जी की वैल्यू हम टेन ले सकते हैं हमारे ऑप्शन है ट्वेल्ल पॉइंट थ्री किलो वॉट सेवन या फिर एट पॉइंट वन या फिर टेन पॉइंट टू किलो वाट आ, बहुत आसान सवाल है सवाल कुछ इस प्रकार है कि हमें एक टर्बाइन के ऊपर पानी गिर रहा है और उस पानी गिरने की जो एनर्जी है वो हमारी पावर में कन्वर्ट हो रही है लॉस हो जाती है तो यहां पे जो अपनी पावर जनरेट होगी उसको हम लिख सकते हैं वर्क वर्क डन डन बाय टाइम टेकन को हम लिख एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ये एम टी जो है मास पर यूनिट टाइम इसकी वैल्यू हमें पंद्रह किलोमीटर पर सॉरी पंद्रह किलोग्राम पर सेकेंड दिया हुआ है सो so, सीधा डेटा रख के अपना आंसर आ जाएगा सो so, यहाँ पे m बाई टी जो मास पर टाइम है उसकी वैल्यू तो है पंद्रह मल्टीप्लाइड बाई जी एम टेन ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय एच जिस हाइट से अपना पानी गिर रहा है वो हाइट सिक्सटी मीटर है सिक्सटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ये है इसको अब नाइन्टी परसेंट एनर्जी जो है वो हमारी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है पावर uh, में कन्वर्ट हो रही है टेन परसेंट लॉस हो जाती है सो so, इसलिए हमने इसको 90 बाई हंड्रेड नाइन्टी परसेंट से मल्टीप्लाई और कर लिया इसे बस कैलकुलेट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सो जीरो जीरो यहाँ पे दो कैंसिल हो जाएंगे सो दिस विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय 90 आ, इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा सो so, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो so, इसकी वैल्यू हो जाएगी एट्टी वन Uh, इसकी वैल्यू हो जाएगी uh, 8100 वन हंड्रेड वॉट और इसको हम लिख सकते हैं एट पॉइंट वन किलो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एट पॉइंट वन किलो वॉट विल बी द राइट आंसर